The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। टॉपिक का नाम है थायराइड। यस, थायराइड, हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड, व्हाटएवर यू कॉल इट। तो थायराइड की प्रॉब्लम आपके स्ट्रेस से रिलेटेड है क्या, ये है आज का सवाल। और ये जवाब हम देंगे आपको कि जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो थायराइड आपके स्ट्रेस से, यानी कि आपके जो हार्मोन होता है स्ट्रेस हार्मोन, जिसका नाम है कोर्टिसोल, उससे बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है। और आपका थायराइड ग्लैंड आपके कोर्टिसोल बनाने वाले जो ग्लैंड है जिसका नाम है एड्रीनल ग्लैंड, के साथ बहुत हिसाब किताब से काम करता है। बिकॉज एड्रीनल ग्लैंड और थायरोक्सिन, एड्रीनल ग्लैंड के जो हॉर्मोन्स हैं जैसे कोर्टिसोल और थायरोक्सिन, वो दोनों ही बॉडी को फास्ट करते हैं। दे इंक्रीज योर एक्सेलरेशन, दे एक्सेलरेट करते हैं। तो कोर्टिसोल से क्या होता है, आपका स्ट्रेस हार्मोन है तो आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर वो बढ़ जाता है, सब कुछ बढ़ जाता है, वैसे थायराइड से भी बढ़ जाता है। सो व्हेन यू आर अंडर स्ट्रेस इट रिलीजेज योर एड्रीनल ग्लैंड, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है जो बनाता है कोर्टिसोल। कोर्टिसोल यानी कॉर्टिकोस्टीरॉइड, इट इज अ स्टीरॉइड जो वेरियस बॉडीली फंक्शंस को एनहांस कर डालता है। और जो थायराइड की प्रॉब्लम है वो इससे रिलेटेड होती है। क्या मोस्ट कॉमन थायराइड की प्रॉब्लम क्या होती है, जहाँ पर थायराइड ग्लैंड को डैमेज होता है, थायराइड ग्लैंड अटैक हो रहा है बाय द ओन इम्यून सिस्टम, ऑटो इम्यून थायराइड डिसऑर्डर, जैसे कि हॉशिमोटो थायराइडाइटिस, ग्रेव्स डिजीज, ऐसे बहुत कॉमन है जिसमें कि थायराइड सीधा सीधा डैमेज होके थायराइड अंडर एक्टिव हो जाता है, आपका बॉडी थायराइड हार्मोन उतना नहीं बना पाती जितना बनाना चाहिए था। सो आप हो गए क्या, हाइपोथायराइड। हाइपोथायराइड में क्या हो जाएगा, योर बॉडी और योर बॉडी विल बिकम स्लो। ठीक है, ग्रेव्स डिजीज या कोई और ऐसी बीमारियां जो थायराइड को कभी टेम्पररीली हाइपर एक्टिव कर देती हैं, तो इट बिकम्स ओवर एक्टिव थायराइड, दैट इज हाइपर थायराइड। सो दोनों कंडीशन जो हैं ऑटो इम्यून डिजीज से रिलेटेड हैं। अब स्ट्रेस का थायराइड पे क्या इंपैक्ट है, जब भी स्ट्रेस होती है, जब भी वेन एवर यू हैव स्ट्रेस, आपकी बॉडी जो है मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। इंपैक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन थायराइड ये कैसे होगा, बाय स्लोइंग योर बॉडीज मेटाबॉलिज्म। और साथ में स्ट्रेस क्या है, वेट गेन से लिंक्ड है। कोर्टिसोल स्ट्रेस वेट गेन से लिंक्ड है, हाइपोथायराइड वेट गेन से लिंक्ड है। हाइपोथायराइड में भी मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है, स्ट्रेस में भी मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है। सो बोथ आर इंटर रिलेटेड, बोथ आर कनेक्टेड, बोथ विल लीड टू। और ये भी होता है कि स्ट्रेस के टाइम पे थायराइड फंक्शन भी स्लो हो जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका एक थायराइड फंक्शन 24 घंटे लगातार सेम चलता है, ना ना ना, आपका थायराइड भी ऊपर नीचे होता है एंड माइनर माइनर लेवल पे, इसलिए उसकी एक रेंज है। आपका स्ट्रेस के टाइम पे थायराइड फंक्शन भी स्लो हो जाता है, आपका जो T3 T4 लेवल्स है, हॉर्मोन्स हैं, उसके लेवल फॉल करते हैं। सो ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है। प्लस जो T4 से T3 एक्टिव हार्मोन जो है T3 थायराइड का, थायरोक्सिन का जो कन्वर्शन होता है वो भी नहीं होगा, वो भी स्लो हो जाएगा, लीडिंग टू आपका अल्टीमेटली फीडबैक जाएगा और TSH लेवल बढ़ जाएगा। तो क्रोनिक स्ट्रेस कैन लीड टू हाइपोथायराइडिज्म। बिग लिख लो इसको, क्या बोलते हैं इसको, बड़ा स्टेटमेंट, क्रोनिक स्ट्रेस कैन लीड टू हाइपोथायराइडिज्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस और भी चीजें हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस, नाम तो सुना ही होगा, और बहुत जरूरी है आपके ब्लड शुगर को बैलेंस करने के लिए। हाइपोथायराइड के साथ साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस भी आएगा स्ट्रेस के वजह से। स्ट्रेस, हाइपोथायराइड, इंसुलिन रेजिस्टेंस, मतलब आपको हो रहा है मोटापा, थायराइड, डायबिटीज, जय हो, ये सारी चीजें एक साथ हो रही है। बिकॉज देयर विल बी इंक्रीज लेवल ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये सारे कॉर्टिसोल, ये सारे एड्रिनल ग्लैंड से निकलते हैं ड्यूरिंग स्ट्रेस। सो दैट ये भी प्रॉब्लम करता है, इंक्रीज लेवल ऑफ दिस विल, इसमें क्या होगा, देयर इज अ वेरी डेलिकेट बैलेंस, बहुत पतला सा
धागा है, एक धागे पे बैलेंस होता है आपकी बॉडी, कि एक स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल वो प्रॉपर लेवल पे रहे, ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड वो प्रॉपर लेवल पे रहे, थायराइड फंक्शन प्रॉपर बैलेंस पर, बहुत डेलिकेट बैलेंस है, क्रोनिक स्ट्रेस से ये बैलेंस मिसमैच हो जाता है। सो कॉर्टिसोल आपका TSH बढ़ाएगा, ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड ज़्यादा रहता है तो वो TSH कम करता है, ये भी पॉइंट है। सो ये दोनों तीनों चीज़ों का बैलेंस होता है। अब होता क्या है, लैब का जो पिक्चर होता है, लैब के जो टेस्ट होते हैं वो हमेशा एकदम करेक्ट पिक्चर नहीं पकड़ पाते, बिकॉज मैनी चीज़ इंटरफियर। आप दवाई लेते हो, मान लो आप उस समय स्ट्रेस्ड हो, कुछ दिनों से स्ट्रेस चल रहा है, आपकी फीलिंग बहुत, आपकी फीलिंग ज़्यादा है तो थायराइड लो आएगा, आप बिल्कुल ठीक हो तो थायराइड ठीक आएगा, दैट कैन बी अ रीज़न। क्रोनिक स्ट्रेस इज अ प्रॉब्लम फॉर योर बॉडी, तो लैब स्ट्रेस रिलैक्स स्टेट में होना चाहिए, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एक दो दिन रिलैक्स हो फिर टेस्ट कराओ। और अगर आपको हाइपोथायरॉयड है या आपका स्ट्रेस लेवल रहा है, कॉर्टिसोल ज़्यादा है, सो वॉट विल बी द सिम्टम्स, पता कैसे चलेगा आपको, फटीग होगा, कमजोरी आएगी, वजन गेन होगा, सारी सिस्टम स्लो होगा, उठने का मन नहीं करेगा, फलाना ढमकाना, बहुत सारे ऐसे स्लो वाले सिम्टम, डिप्रेशन भी हो सकता है, एनजाइटी भी हो सकता है, बॉडी में सुनपन आ सकता है, हाथ पैर सुन हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे सारे सिस्टम स्लो होने की, गाड़ी स्लो चल रही है, बस ये समझ लो गाड़ी स्लो चल रही है तो हॉर्न भी स्लो, ब्रेक एक्सेलेटर भी स्लो, क्लच भी स्लो, ब्रेक भी स्लो, सब कुछ स्लो ऐसा हो जाता है। सो वॉट कैन यू डू, स्ट्रेस मैनेज करो भाई, स्ट्रेस काहे लेने का, स्ट्रेस है, सबको है, रखो मत ना उसको, उसको ले लो, समझ लो, सॉल्व करो, खत्म करो, नहीं सॉल्व हो रहा लिख के छोड़ दो, कल कर लेना, बट रिलैक्स, डोंट कीप थिंग्स इन योर माइंड, राइट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कीपिंग योर माइंड हेल्दी। माइंड में उल्टी सीधी बातें नहीं जानी चाहिए, इट इज समथिंग लाइक योर कबर्ड, कबर्ड में कुछ भी डालते हो क्या, घर में कुछ भी डालते हो क्या, कचरा वचरा डालते हो क्या, उल्टी सीधी गालियाँ डालते हो क्या, लोगों का कुछ भी डालते हो क्या, नहीं डाल, दिमाग में क्यों डाल, दिमाग में झगड़ा, दिमाग में गालियाँ, दिमाग में ये, दिमाग में फालतू न्यूज़, डर डर डरावना सड़ी चीज़ें, नो, बिग बॉस बिग बॉस, एनीवे समझदार को इशारा काफी है। और क्या, स्ट्रेस रिलीफ के लिए सही खाओ, सही देखो, सही सुनो, सही सो, थिंक अबाउट योर विटामिन्स, थिंक अबाउट योर प्रोटीन, सेलेनियम, जिंक, आयरन, कॉपर, विटामिन ए बी सी ई बहुत जरूरी है, नींद सबसे जरूरी है, 7 to 9 hours की स्लीप बहुत जरूरी है, अगर आप चाहते हो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़े, आपका स्ट्रेस कम हो, आपका थायराइड ठीक ले, एटलीस्ट उसके अलावा रिलैक्सेशन अलग है, स्ट्रेस स्लीप अलग, रिलैक्सेशन अलग, यू नीड टू रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग बहुत जरूरी है, डीप ब्रीदिंग मसल्स को रिलैक्स करती है, बॉडी को रिलैक्स करती है, सो एवरीथिंग इज रिलेटेड इन योर बॉडी, सम ये चीज़ का दूसरे पे, दूसरे का तीसरे पे इफेक्ट आएगा ही आएगा, समझ रहे हो, जैसे आपके घर में एक कमरे से बास स्मेल गंदी आ रही है तो दूसरे कमरे में आएगी, सेम थिंग गोज इन योर बॉडी, सो दैट्स हाउ यू हैव टू नो मैनेज योर बॉडी, रिलैक्सेशन चाहिए और स्ट्रेस को माइंड करने के लिए एक्सरसाइज चाहिए, सो यू डू एक्सरसाइज, यू डू रिलैक्सेशन, यू हैव टू स्लीप, यू ईट राइट, यू स्लीप राइट, थिंक अबाउट योर विटामिंस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज़्यादा, प्रोटीन इनफ चाहिए, कार्ब्स कम चाहिए, बाहर का खाना जो स्ट्रेस वाला खाना है वो कम खाना है, यानी चीनी, शक्कर, आपका बाहर से आई हुई गुड़ चीनी शक्कर या पैक्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड मिनिमम होना चाहिए, ये सब करेंगे तो पक्की तौर पे आपका ये सब ठीक होगा। और थायराइड प्रॉब्लम है तो आयोडीन, सेलेनियम, जिंक, आयरन, कॉपर, ये सारे बहुत ज़रूरी है, राइट, इन योर विटामिन्स, आयोडीन डेफिशिएंसी कैन लीड टू हाइपोथायरॉयडिज्म, तो ये सारे जरूरी है, अगर आपके डाइट में आयोडीन वाला फूड कोई है कि नहीं वो देखो, सो ये सारी चीज़ें करो एंड यू विल गेट रिड ऑफ स्ट्रेस एज वेल एज थायराइड, बोथ ऑफ देम, ऑब्वियसली यू नीड अ डॉक्टर टू गाइड यू बेटर, आपके केस में क्या करना है उसके लिए डॉक्टर गाइड करेंगे, सो थैंक यू सो मच, आई एम डॉक्टर परमजीत, प्लीज शेयर दिस वीडियो टू एवरी सिंगल पर्सन यू नो, इट विल हेल्प देम एंड दे विल थैंक यू, सो थैंक यू सो मच, आई एम डॉक्टर परमजीत, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, बाय बाय।